POCO X4 के स्पेक्स बाहर आए हैं, Redmi Note 11 जो है उसके बारे में बहुत तगड़ी डिटेल बाहर आई है, Pixel 6 जो है मतलब लॉन्च होने से पहले उसका डिसअसेंबली लीक हो गया है, OnePlus 9 RT जो है उसकी लॉन्च डेट वगैरह बाहर आई है, और भी बहुत सारी तगड़ी आज के TTS के एपिसोड में। सो हे व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज ज़हीर एंड दिस इज द एपिसोड नंबर 209 ऑफ TTS Tech। सो लेट्स बिगिन। गाइस TTS का मतलब ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे, मैं बहुत ही छोटे मैनर में आपको टेक की दुनिया से अपडेटेड रखता हूं। तो भाई अगर आपको टेक की दुनिया से अपडेटेड रहना है वो भी बिना टाइम पास किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। विद दैट सेड लेट्स स्टार्ट अवर टेक न्यूज़ विद द अदर कैटेगरी। तो अदर कैटेगरी में सबसे पहली न्यूज तो ये है कि भाई फेसबुक फिर से ट्रबल में आ रहा है। अभी बीच में उसका जो बंद हुआ था उसके बाद अभी फिर कल रात के टाइम पे उसका पूरा सर्विसेज डाउन जा रहा था, लेकिन वो तो चलो छोटी मोटी चीज है। लेकिन यहां पर बड़ा इशू ये हुआ है कि जो विसल ब्लोअर थी वो बंदी ने पूरा बयान दिया है कि कैसा फेसबुक बहुत ही बेकार है, अपने प्रॉफिट को हमेशा पर रखता है लोगों को वेलबींग को छोड़ के। तो वो बोलते हैं कि तुम जो सेनेट लोग हैं वहां के, जो वहां के लॉ मेकर्स हैं, उनको बोला गया है कि भाई तुम लोग अगर उधर पे इंटरवीन नहीं करोगे ना तो फेसबुक सुधरेगा नहीं, ऐसा बोल रहे हैं। तो देखते भाई क्या होता है भाई फेसबुक का, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे लोग हैं ना, स्पेशली टीनएजर्स हैं, उनके मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा बुरा असर करता है। बट लेट्स सी भाई अभी क्या करते हैं लोग, कुछ अच्छा करे तो फिर देखा जाएगा। बाकी उसके बाद अगर बात करूं तो मीडिया टेक की तरफ से ये न्यूज आ रही है कि डायमेंसिटी 2000 जो है वो प्रोसेसर मीडिया टेक रिलीज करने वाला है, और वो भी 4 नैनोमीटर नोड के ऊपर। एंड दैट इज क्रेजी भाई, मतलब अभी तक के सबसे छोटा जो नोड है वो 5 नैनोमीटर है, जो सैमसंग 888 वगैरह पे है, A15 है, A14 पे है, बाकी भी 4 नैनोमीटर पे ये बनने वाला प्रोसेसर है डायमेंसिटी 2000। लेट्स सी भाई कब तक आता है ये। बाकी उसके बाद बड़ी खबर ये है कि पिक्सल 6 एंड पिक्सल 6 प्रो भाई इसका डिसअसेंबली वीडियो लीक हो गया। मतलब लिटरली बंदा डिसअसेंबल कर रहा है एंड वापस असेंबल कर रहा है, क्रेजी चीज है। मतलब हर जगह आर्टिकल आ गए, वीडियो हर जगह फैल रहा है, लेकिन जैसे मैं देखने गया वीडियो गायब। भाई गूगल है भाई आफ्टर ऑल, तो गूगल ने पूरे इंटरनेट से वीडियो वाइप ऑफ करवा डाला भाई, क्या फास्ट है गूगल। लेकिन बहुत सारी जगह पर भी आर्टिकल है एक्सट्रीमली वियर्ड भाई, कुछ भी हो रहा है। मतलब फोन लॉन्च भी नहीं हुआ है, लॉन्च होने से पहले उसका डिसअसेंबली वीडियो लीक हो गया, बताओ। इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है कंपनी को, क्योंकि जो उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती है ना उसमें बहुत ज्यादा इशू हो जाता है, लाइक दूसरे लोग कॉपी कर सकते हैं वो सब चीजें। तो इनसेन चीज है भाई, बाकी क्यों लोग करते हैं ये भी मेरे को नहीं पता। तो ये एक बैड न्यूज थी काइंड ऑफ। उसके बाद गुड न्यूज ये है कि भाई GTA का ट्रिलॉजी आ रहा है। जी हाँ, GTA San Andreas, GTA Vice City एंड GTA 3 ये तीनों का मिक्स करके रीमास्टर करके एक नया गेम बना रहे हैं, लॉन्च करने तो फिर देखने। अभी कुछ डेट वेट नहीं बोले, बस अनाउंस हुआ है कि भाई आने वाला है। बाकी ये थी मेन में अदर कैटेगरी की न्यूज। अब हम लोग स्मार्टफोन की तरफ बढ़े तो भाई यहाँ पर तगड़ी तगड़ी न्यूज है। सबसे पहले तो OnePlus 9 RT जो है ऑफिशियली खबर आ गई है कि चाइना में ये 13 तारीख को लॉन्च होने वाला है। जी हाँ, अभी 13 तारीख को, कितना भी आज कितनी तारीख है, आज है 9 आई गेस। तो बेसिकली 2-3 दिन में OnePlus 9 RT लॉन्च होने वाला है। प्राइसिंग वगैरह क्या आती है, स्पेसिफिकेशन तो कंफर्म हो गई कि भाई 888 पे आएगा, 120Hz AMOLED डिस्प्ले, बेसिकली सब कुछ सेम है, और कुछ फर्स्ट लुक भी लीक हुआ है जैसे कि आप लोग दिख रहे हो, ऐसा कुछ OnePlus 9 RT दिख रहा है। देखते भाई लॉन्च होने दो, थोड़ा ही टाइम है, बाकी एंड ऑफ द अक्टूबर में शायद इंडिया में लॉन्च हो गए। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट प्रोडक्ट। लेट्स सी प्राइसिंग वगैरह अगर अच्छी रखते तो फिर मजा आएगा। बाकी भाई S22 अल्ट्रा जो है उसका डमी वगैरह जो है वो लीक हो रहा है, जो केसेस वगैरह बनाने के लिए देते हैं, तो ठीक है अभी देखते क्या है। बाकी सैमसंग बोल रहा है कि वो 2 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर 2025 तक के रिलीज करेगा। 2 नैनोमीटर, सोचो भाई क्या ही पावर और क्या ही एफिशिएंसी होगी वो चीज की, बाय गॉड भाई मजा आने वाला है। बाकी रेडमी की तरफ से खबर आ रही है कि रेडमी नोट 11 जो होगा, जो भी रेडमी नोट की नेक्स्ट सीरीज होने वाली है, उसके अंदर हमको 120W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलने वाली है। अब यूजुअली रेडमी के सीरीज के जो फोन है Redmi Note सीरीज के वो 20,000 के नीचे आते हैं, 20,000 के नीचे इन लोग 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग देने वाले हैं भाई साहब। लिटरली जब मार्केट में Redmi आता है ना तो मार्केट में आग लगा देता है भाई, देखते क्या है। बाकी उसके बाद एक POCO की तरफ से खबर आ रही है कि POCO X4 जो होगा इसके अंदर हमको स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। एंड ये जो 778G प्रोसेसर है दमदार है भाई, मैंने बहुत सारे फोन में अभी टेस्टिंग चालू है, जैसे ये M52 5G का इसका तो अनबॉक्सिंग आ गया है, एंड ये है Mi 11 Lite 5G एनी इसका भी अनबॉक्सिंग आने वाला है। आपको फर्स्ट लुक दे दिया हूं भाई, बहुत तगड़ा फोन है, वेट करो अनबॉक्सिंग आने वाली है इसकी भी। बाकी उसके अंदर भी यही सेम प्रोसेसर आने वाला है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ऐसे हैं कि भाई 20,000 के नीचे आएगा POCO X4। देखते भाई POCO वाले भाई दमदार है, कुछ भी कर सकते हैं। बाकी उसके बाद कुछ खबरें iQOO की तरफ से आ रही है, अभी वो वीवो का सब ब्रांड है, कुछ टाइम में ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो एक इंडिपेंडेंट ब्रांड बन जाएगा। iQOO की तरफ से फोन भी आने वाला, iQOO 8 लेजेंड वगैरह इंडिया में, ठीक है देखते क्या है। बाकी उसके बाद अगर बात करूं तो रेडमी की खबर आ रही है कि रेडमी K50 Pro Plus जो होने वाला है उसके अंदर हमको टॉप ऑफ द लाइन प्रोसेसर जो होने वाला है स्नैपड्रैगन का, जो होगा स्नैपड्रैगन 898 मोस्ट प्रोबेबली यही वाला प्रोसेसर इसके अंदर हमको देखने को मिलेगा। बस थोड़ा गर्माहट को कंट्रोल कर लेना, बाकी तो सब चल जाएगा। बाकी उसके बाद अगर बात करूं तो एक Realme का फोन लीक हो रहा है कि बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, जिसका नाम होने वाला है Realme GT Neo 2
टी, टू के बाद भी टी है, टी टू होता या टू, क्या कुछ भी कर रहे भाई ये लोग। डायमेंसिटी 1200 AI चिपसेट के साथ में आने वाला है, देखते भाई अच्छा कुछ करते हैं तो मजा आएगा। बाकी ये थी मेन स्मार्टफोन की न्यूज। अब हम लोग गैजेट्स में बढ़े तो सबसे पहले तो यहाँ पर मेन न्यूज ये है कि OnePlus की तरफ से कुछ 4K टीवी आने वाली है। कितनी टीवी निकालेंगे भाई, और प्राइस सब टीवी की बढ़ती जा रही है, देखते क्या करने वाले ये लोग। बाकी ज्यादा न्यूज गैजेट्स में थी नहीं, हम लोग पीसी वर्ल्ड की बात करें तो भाई यहाँ पर भी ज्यादा न्यूज नहीं है। एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि जो राइट टू रिपेयर मूवमेंट चालू है, माइक्रोसॉफ्ट ने बोल दिया कि भाई देखो हम इस चीज से पूरा सहमत है, हम भी आपको सारा जो मटेरियल है लाइक एक्चुअल में उसकी डिटेल है हार्डवेयर की उनके, हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आप बिंदास या अपना प्रोडक्ट रिपेयर करवा सकते हो थर्ड पार्टी के थ्रू। तो अच्छी चीज है कि बट कुछ ना कुछ डैमेज कंट्रोल करना पड़ता है। बाकी कुछ डैमेज हुआ है या नहीं हुआ है वो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन थोड़ा मार्केटिंग वगैरह भी हो जाती है ना, जैसे मैंने यहाँ पे कवर किया है, बहुत सारे लोग कवर करते हैं। इतना ही था इस वीडियो में, आई होप आपको ये टेक न्यूज पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।